खीरू महतो वीर है, झारखंड का तकदीर है, किनारों के साथ बिहार विधानसभा गूंज उठा। खीरू महतो ने आज जेडीयू से अपना नामांकन राज्यसभा को लेकर किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम एनडीए के दिग्गज चेहरा मौजूद रहा। खीरू महतो ने साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ता को मौका दिया गया तो ऐसे में झारखंड में अब जेडीयू को मजबूत करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं खीरू महतो, वो आप सुने। कितना बार दें आप लोग को? देखिए पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, कार्यकर्ता को जिम्मेवारी को हू बहु लागू करेंगे और जमीन पर दिखेगा। झारखंड में है जो सबसे बड़ा यही तो है, जो दिया गया पार्टी की ओर से सांसद बना गया है, वह झारखंड के जनता के मैंने उसके भावना के अनुरूप है जो पार्टी काम करेगी और बिहार और झारखंड दोनों को मिलाकर सेतु का काम करेगी। पार्टी का संभावना बहुत तेजी से बढ़ गया है। हमारे माननीय मंत्री श्रवण कुमार भी प्रभारी बने हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और मैं खीरू महतो, दोनों मिलाकर एकदम पूरा गांव को क्षेत्र को संगठन खड़ा कर देंगे। और माननीय जो विधायक और मंत्री बॉर्डर क्षेत्र में, वो भी झारखंड में जाएंगे और काम करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं नहीं, किसी का टिकट नहीं काटा गया, किसी का चिट्ठी है जो निकल गया उसमें काट के मेरा नाम चढ़ा नहीं गया, ऐसा बात नहीं। तो आपने सुना जेडीयू राज्यसभा उम्मीदवार खीरू महतो को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो मौका मिला है मुझे वो कहीं ना कहीं झारखंड में जेडीयू को मजबूत करने की। ऐसे में जब से ऐलान हुआ खीरू महतो के नाम का, तब से झारखंड में पटाखे जो है वो फूटने लगे। तो कहीं ना कहीं अब जनता दल यू बिहार के साथ अब झारखंड में भी इन कर चुकी है। हालांकि पहले भी वहां से खीरू महतो विधायक रहे जेडीयू के, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन जो है वो और मजबूत होगी, ज़मीन पर होगी, क्योंकि खीरू महतो झारखंड से आते हैं, झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले विधायक रहे हैं। तो ऐसे में अब जवाबदेही खीरू महतो की और बढ़ गई है पार्टी के प्रति। लेकिन वही आरसीपी सिंह का पत्ता कटा और खीरू महतो के नाम पर मुहर लगी, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बड़े नेता हैं, आरसीपी सिंह बड़े नेता हैं, इस मामले में वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह अब उनका कहना है कि अब पूरी तरह से वो संगठन में हैं और संगठन को मजबूत करेंगे। कई सलाह भी उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया कि मौका दिया गया उन्हें, अब नए लोगों को भी मौका देना है, जो लोग लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं उन्हें भी मौका देना चाहिए। एनडीए के 3 प्रत्याशी, 2 बीजेपी और 1 खीरू महतो जेडीयू से नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम दिग्गज नेता इस नामांकन में मौजूद रहे। खीरू महतो ने क्या कुछ कहा वो आपने विस्तार से सुना। इसको मिलता है, देख लें बिहार। नमस्कार।